दिल डूबा कहां है में डूब गया तुम्हारा दिल चल निकल पहली फुर्सत में अरे सोफिया और बताओ कहाँ है कहाँ है तुम्हारा लौंडा नहीं जल्दी बता दो इधर से फुटस्टेप एक आ रहा है नहीं दिख तो कोई नहीं रहा हम लोगों के मम्मी पापा जानते हैं जो करना है कर लो तो फिर जाओ तुम लॉबी अब यार गाइस हमको दूर एक लौंडा दिखा बहुत दूर था तो हमने उसको नॉक किया 113 मीटर की दूरी पर था उसके बाद हमने ये वाली तकनीकी लगा के गए रस करने और यहाँ पर एक लौंडा नहीं यहाँ पे तीन तीन लौंडे थे तो पहले तो हमारा एक टीम मेट ने नॉक किया उसके बाद हमने एक को फिर नॉक किया जिसको नॉक किया था उसके बाद हमने इसको पूरा फिनिश कर दिया अब गाइस यार यहाँ पर दो बचे थे एक नॉक था और एक जिंदा था तो तुम्हारे भाई ने चल दिया रस करने और देखो हमारे पास एम की गोली नहीं थी लेकिन तुम्हारे भाई को पता था कि यहीं पर लौंडा रिवाइव दे रहा होगा उसके बाद हमने इस लौंडो को भी नॉक किया और फिनिश मार दिया अब गाइस यार यहाँ पर पूरी सी स्क्वाड फिनिश हो गई थी तो हम आ गए यहाँ पर जो कि एक लौंडा पीछे से जम कर रहा था तो हमने उसको निपटाया इसका एक और था तो पहले एक फ्री फायर दिया उसके बाद हमने इसको भी निपटा दिया ये ड्राइवर जल्दी से दसवा गेयर लगाओ अरे ड्राइवर वक्त पहले उतार दिन का अब का होई मालिक हेमत दसवा गेयर नहीं हो हेमत चार पाँच गेयर रहा था रुक जा अच्छा टेंशन ना ले पहले हेल्थ लगावे दे मोर एच लाल हो गए एक बार लग जाए दे फिर देख कैसे इनकम में बजावत हूँ एक तो ये मैं इतना यूट्यूबर आएंगे कुछ कहा का नहीं है एड तो चमकावा चमकाव मचाए हैं और दो लेफ़्ट से हैं ये एक राइट से है तय कुछ करिए तो गाइस यार हमारे पास रिकॉल नहीं था तो हम आ गए यहाँ पर जो कि अभी टाइम था तो हमको मिल जाता है एक भी एक बॉक्स तभी हम इसको जैसे इनेबल करते हैं हमको मिल जाता है रिकॉल और फिर हम रिकॉल होकर यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर थर्ड पार्टी हमने किया एक को नॉक किया अब जैसे एक को नॉक किया एक और नॉक किया अब वहाँ पर इन लोगों ने जिनको मारा था वो स्क्वाड ऑल हो चुकी थी तो यही दोनों बचे थे और तुम्हारे भाई ने बिना देरी करते हुए यहाँ पर आ गया और तीन चार ऊपर नीचे मंजिला देखते देखते ये लौंडे भी मिल गए और दो किल मिल गया पहले मौका ऊपर जा दे मोर मन नहीं लड़ेगा ठीक है तो कब लड़ी है जब तुम तो मन हुई आओ पहले लड़ ले ते मोरे टीममेट को मार के नेता बनते गाइस मुझे पता ही नहीं था कि इसका एक और बंदा है तो ये मुझे यहाँ पे मार देता है और फिर मुझको मिल जाता रिकॉर्ड के चौदह अब गाइस यार लास्ट का सर्कल था और ये वही बंदा मार रहा था एन एच पर्लिन जो हमको गाड़ी के पास मारा था तो यही बंदा बहुत ज़्यादा मार रहा था मुझे लग रहा था ये जादू टोना करके मार रहा है तो मैं भी आ जाता हूँ यहाँ पर जो कि ये लोग मेन बिल्डिंग में रहते हैं और फिर देखो फिर ये लौंडा ने एक स्क्वाड खत्म कर दी मतलब बहुत लौंडे मारा लगभग पच्चीस तीस किल तो पक्का इसके होंगे और उसके बाद हो गई मेरे इससे फाइट जो कि इसके तीन लौंडे रहते हैं और मेरे दो यानी मैं और एक और लेकिन फाइट मैं ही लेता हूँ तो पहले मैंने वहाँ पर ग्रेनेड किया लेकिन उसके बाद मैंने उसके आगे किया तो वो लौंडा फूट गया एक अब इसके बाद मुझ पर भी एक ग्रेनेड हो रहा है फिर मैंने एक और फेंक दिया वहीं पर तो उसके बाद फिर इधर एक लौंडे का फुट स्टेप आ रहा था तो मैं सोचा इधर से जाऊंगा मार दूंगा लेकिन नहीं फिर यहाँ पर एक लौंडा कूदा वेब शूटर लगा के ये बंदा रस करने आ गया गयाबे मोट सामना कहीं पर बहुत खतरनाक हूँ खतरनाक अपने बरे लेकिन ते बरे समान मोर तो पहले मारे हूं, सुन ले। ते मारे तो ठीक रहे लेकिन आगे मोर रिलोडिंग और मोका ध्यान नहीं रहा कि मैं गन बदल लेऊं, नहीं तो तो तु मारते मरते समझे <laughs> मार के चिकन डिनर लाई तो ले अब गाय समा जाते हैं यहाँ पर जो कि सामने एक लौंडा दिखा चार नंबर यह मोर सिखा रहा है ते का हाथों न लगाए चार नंबर तो मान गए लेकिन ये लोहे के आदमी आ रहा पता नहीं कई से बच गया चलो कौनो बात नहीं दोबारा एक कर हैंडल करे खे कसरे चार नंबर न सुधरिए मोर किल चुरा ली ने आ फालतू मतो कह की अच्छा अच्छा चल ठीक है लेकिन तो कीमत तो चुकाए पड़ी अपन जान दी के तो सोचना मत रिवाइव दूंगा ही नहीं और उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर तभी देखता बंदे को रस करने आ रहा था। मोरे का ना। देख लेने दोनों फिनिश हो गये तो हो, हो अब यार मैं अच्छा भाला जा रहा था ब्रिज से लेकिन पता नहीं क्या हुआ लागत है ये में बहुत लागत है का पुलवा से मैं डायरेक्ट नीचे चला चलायो जैसे पनिया से ऊपर आओ यहाँ बैठो और तब ही नेट हो जादू टोना लाइक मैं तेरे ऊपर करवा रहा जादू टोना ये से ते नीचे गिर गए फिर ते ते लॉबी जा निकल ले हे भगवान जादू टोना तो नहीं काम आवा ये तो बहुत खतरनाक है दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और आपका मनोरंजन कराते रहेंगे धन्यवाद